गाइस कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल ईशा नेहरा दिस साइड। आज ईशा आपकी लेकर आई है आपके लिए बहुत ही आसान सी लेग्स की एक्सरसाइजेस। अगर आप बहुत ज्यादा लेजी हैं या आप बहुत ज्यादा हेवी हैं बॉडी में, तो भी आप इनको आसान से एक्सरसाइजेस को फॉलो करके अपनी लेग्स की बल्किनेस को खत्म कर सकते हैं। चाहे आपके हिप पे बहुत ज्यादा फैट है या आपकी थाइस बहुत हेवी है या फिर आपका जो इनर थाई है ना वो बहुत ज्यादा हेवी है, तो उसको भी आप टोन कर सकते हैं। इसके साथ साथ गर्ल्स के साथ क्या प्रॉब्लम आता है, जिनकी हेवी थाइज होती है उनके लेग्स के बीच में गैप नहीं होता, जिसकी वजह से समर्स में ना उनको रैशेस की प्रॉब्लम आने लगती है क्योंकि हमारी लेग्स जो है स्किन ब्रीथ नहीं ले पाती है। तो अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी बहुत सुंदर और सेक्सी लेग्स हो जाएंगी। तो सेक्सी लेग्स सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, फॉलो भी करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता रही हूँ सेम एज इट इज आपको रैप्स और पोजीशन को फॉलो करना है और फिर देखें इसका अल्टीमेट रिजल्ट विद इन अ मंथ आपकी आंखों के सामने होगा। तो बिना किसी देरी के, बिना ज्यादा बकबक किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो और आप मुझे फॉलो करें। फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आप चेयर का सपोर्ट जरूर लें। एक हैंड आपने रखना है चेयर पर और उसके बाद आपने एक हैंड अपने साइड पर रखते हुए अपनी लेग को वाइड करना है, देन इन करना है, आउट इन। ठीक है, ये आपके इनर थाई को, आपके ग्लूट मसल को बहुत अच्छे से टोन करेगी। ऐसा आपको 20 टाइम्स करना है ईच लेग, यानी आपको राइट साइड 20 टाइम्स, लेफ्ट साइड 20 टाइम्स और इसके आपको करने हैं कम से कम 4 सेट। तो चलिए अपना फर्स्ट वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। अब हम करेंगे अदर साइड, अदर लेग पर। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लंजेस, जिसके लिए आपको चेयर का सपोर्ट लेना है। अपनी वन लेग को इस तरीके से आगे करते हुए दूसरी लेग को आपने पीछे लेकर जाना है, ठीक है, और देन इस तरीके से बेंड करना है। आप दूसरा हैंड अपना वेस्ट पे रख सकते हैं। ऐसा आपको 20 टाइम्स करना है और इसके आपको करने हैं 4 सेट। अब यहाँ पर हमारी राइट लेग पर एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, हम लेफ्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे। लेफ्ट पे भी सेम आपको 20 टाइम्स करना है और उसके आपको करने हैं 4 सेट्स। आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो इसके लिए आपको क्या करना है, चेयर का सपोर्ट ले लेना है वन हैंड से। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हैं लेकिन आपको इजी वे बता रही हूँ। तो हैंड रखने के बाद में आपने अपने पंजों पर आना है, यानी टोज पर, इस तरीके से। ये आपके इनर थाई के लिए है और आपके ग्लूट मसल के लिए, यानी आपके हिप के मसल के लिए है। तो आपके हिप जितने भी अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो टोन हो जाएंगे और अगर बहुत ज़्यादा हैवी हैं तो वो थोड़े से सेटल डाउन हो जाएंगे, मतलब उनका फैट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो चलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, 20 टाइम्स इसको आपको करना है प्रोसेस को। आपने इस तरीके से बाउंस करके, आपने नी के लॉक नहीं खोलने हैं, ठीक है, जस्ट ऐसे हल्का ऊपर आना है, देन डाउन अप डाउन अप डाउन, ठीक है। इस तरीके से आपने अपने आपको मूवमेंट देना है 20 टाइम्स और इसके आपको करने हैं 4 सेट। तो चलिए प्रोसेस को फॉलो करते हैं।
कंप्लीट होती है आपकी ये एक्सरसाइज। अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हमें जंप करना है। स्क्वाट पोजीशन में हमें अपने फ्लोर को टच करना है अपने हैंड से। कैसे करेंगे देखते जाइए। जंप देन, ठीक है, अपने हिप को प्रॉपर हमें बैक साइड पे लेके जाना है और देन बेंड होते हुए आपकी जो नीज है वो आगे नहीं जाएंगे, सेटल रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद टच करने के बाद देन दोबारा जंप, देन डाउन, जंप डाउन, ठीक है। तो ये आपकी जब आप बेंड होते तो आपके हिप मसल पे बहुत अच्छा लोड डालती है, वहाँ के फैट को रिड्यूस करती है। तो आपको इसको करना है 20 बार और इसके करने हैं आपको 4 सेट्स। तो चलिए प्रोसेस को फॉलो करते हैं। यहाँ पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो अब बढ़ते हैं इसी के साथ अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। हम करेंगे सुमो स्क्वाट, जो आपके इनर थाई के फैट को रिड्यूस करता है। अगर आपकी स्किन यहाँ से बहुत ज़्यादा सैग कर गई है, लूज हो चुकी है, तो वो भी टोन होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप लेग्स को वाइड कर लीजिए, पैरों को आपने इस तरीके से पोजिशन रखना है जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। देन उसके बाद आपने लॉक्स को नहीं खोलना है, इससे अगर आप ज़्यादा अपने लॉक को स्ट्रेट करते हैं तो उससे आपको फ्यूचर में जो है वो नी की प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है। तो मेक श्योर जब आप स्क्वाट करते हैं या सुमो स्क्वाट करते हैं तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि आपने नी के लॉक को नहीं खोलना है, स्लाइटली बेंड रखना है, देन डाउन जाना है, देन अप जाना है, ओके। बारी आती है हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको लेट कर करना है तो मैट की रिक्वायरमेंट जरूर पड़ेगी। आप अपने पहले हैंड को इस तरीके से मैट पे प्लेस कर लीजिए। अपनी जो अदर लेग है यानी राइट लेग, उसको ऐसे फोल्ड करके रखना है। लेफ्ट लेग को आपने बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए अपने जो टोज है उससे हैंड को टच करना है, ऊपर लेकर आना है। जब आप इस प्रोसेस को करेंगे, ठीक है, तो आपका जो प्राइमरी मसल है वो आपका ग्लूट यानी आपके हिप मसल को टोन करेगा और सेकेंडरी अगर आप अपने टमी को अंदर स्क्वीज करके रखेंगे तो सेकेंड मसल यानी आपके टमी को भी ये कम करेगा। तो चलिए इस प्रोसेस को हमें करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं हमें 4 सेट। आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, लेकिन मेक श्योर मैंने आपको वन लेग पे करके दिखाया है, आपको इसको बोथ लेग्स पे करना है, यानी 20 टाइम्स आपको करना है राइट साइड, 20 टाइम्स आपको करना है लेफ्ट साइड। इसके लिए आप इस तरीके से हैंड को मैट पे प्लेस कर लीजिए। प्लेस करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी जो राइट लेग है उसको आपने साइड पे लेके जाना है। मेक श्योर कि आपने अपने टोस को यानी अपने फीट को आपने जमीन से टच नहीं करना है, ऊपर साइड पे लेके जाना है, देन अदर साइड पर, फिर बैक, देन फ्रंट, ठीक है, बैक फ्रंट। आपने ये 20 बार प्रोसेस करना है और ऐसा आपने दोनों लेग्स पे प्रोसेस करना है और इसके करने हैं आपको 4 सेट्स। यहाँ पर आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ।
नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको अपने हैंड को मैट पे प्लेस करना है, अपनी बॉडी को इस तरीके से बेंड करते हुए अपने हिप को बैक साइड पे प्रॉपर ऐसे ऊपर की तरफ करते हुए, देन उसके बाद आपने लेग को सर्कल रोटेट करना है, ठीक है? ये आपकी ग्लूट मसल पे बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आपने इस तरीके से अपने लेग को रोटेट करना है, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा आपको 20 टाइम्स करना है और ऐसा आपने दोनों लेग्स पे करना है, यानी 20 टाइम्स आपको करना है क्लॉकवाइज, 20 टाइम्स आपको करना है एंटी क्लॉकवाइज, एंड देन राइट साइड एंड देन लेफ्ट साइड, ठीक है? और इसके आपको करने हैं 4 सेट्स। गाइज, यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है सारी एक्सरसाइजेस जो आपको सारी फॉलो करनी है। आपके माइंड में क्वेश्चन क्लिक करता है, आप कमेंट के थ्रू पूछते हैं कि दी हम इनमें से एक दो कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लेग्स को सच्ची में टोन करना चाहते हैं और वो जज्बा आपके अंदर है, वो आग आपके अंदर है कि आपको अपनी लेग्स को शेप में लेकर आना है, अपनी जो लूज थाइज है उनको टोन करना है, सैगीनेस को खत्म करना है, तो डेफिनेटली आपको ये सारी फॉलो करनी है और सेम रैप्स रिपीट करने हैं। अब बारी आ जाती है कि आपको रोज करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको ऑल्टरनेटिव डेज में करना है। सपोज आज ट्यूजडे है तो आप ट्यूजडे को करें, देन फिर उसके बाद थर्सडे को करें, थर्सडे के बाद में आप सैटरडे को करें, ठीक है? कोई भी वर्कआउट आपको डेली नहीं करना। और आपको इम्पोर्टेंट टिप देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पर बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक है जो मॉर्निंग में आप एम्प्टी स्टमक इनटेक कर सकते हैं, जो आपके वेट लॉस में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो मैं अपने डिटॉक्स ड्रिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप चाहें तो डेफिनेटली उसको फॉलो करें, चाहें क्यों, बल्कि आपको फॉलो करना ही चाहिए। और खूब सारा प्यार देते रहे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है @ishamehra, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। तो हम मिलते हैं कुछ नए और बेहतरीन एक्सरसाइजेस के साथ नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी, लव यू ऑल।